जी साहब, बड़ा ही आनंद आ रहा है विद्वानों। अपने दमखम के साथ मैं हर गाने वाला आपके सामने अपनी गायकी प्रस्तुत कर रहा है। हाँ जी चंद्रवीर जी, ये पैसा ले जाएं। पैसा ले जा भैया चंद्रवीर, दे दिए साहब। आइए बंधुआ, जिक्र मेरा वही मार साहब, बहुत सी ना मारे हो। मैंने प्रसंग कहा छोड़ो। आज भोज कुमार को नहीं मारा और साथ में हिरण मार करके लाता है कौन, वो मंत्री। महलों में पहुंच गया, भोज कुमार को महलों में छुपा दिया। लायो संग लिवाए, छुपायो महलन में जाके और करी चतुराई फिर आके। हुनर से शीश बनायो है और वो दिया सत्य दर्शाए, बाल बर फर्क ना आयो है। आज हिरण के शीश से भोज जैसा शीश बना करके तैयार कर दिया, अपने महलों में ही भोज कुमार को छुपा दिया। मंत्री ने आदेश दे दिया कि राजा मुंज को महसूस यह नहीं होना चाहिए कि भोज कुमार अभी जीवित हैं। प्रातः हो गया बंधुओं, राजा मुंज का दरबार लगा हुआ है। राजा मुंज आई बातें देख रहे हैं कि मंत्री कब भोज के शीशे लेके दरबार में प्रवेश होगा। और इधर मंत्री देखिए क्या कर रहे हैं, उपाय सुना और चित लाया सोच मन लइए। और वो महाराजा के और पास भैया पहुंचे ना तो चाहिए। और यान बांधा शीश रु माल सो धर दियो थारी। आहा बंधुओं, आज मंत्री ने भोज के शीश को रूमाल से बांध दिया कि राजा को यह महसूस नहीं हो कि यह भोज का शीश नहीं है। जैसे ही दरवाजे पर कदम रखा, मंत्री दरबार में प्रवेश हो गया। राजा मुंज गद्दी से खड़ा हो गया और जवाब दिया, ए मंत्री वही खड़ा हो जा, यो तो बतदा दे ये तेरे हाथों में क्या है। सरकार आपने कहा था कि भोज का शीश चाहिए, मैंने भोज कुमार को मार दिया सरकार और मैं शीश लेके आया हूं। माने अच्छा, ये भोज का ही शीश है? हाँ महाराज, ये भोज का ही शीश है। तो ऐसा कर, दरबार में आ और इस शीश को इस टेबल पर रख दे। मंत्री ने शीश को टेबल पर रख दिया और राजा ने कहा, यो बता मंत्री, जब तूने मेरे भोज कुमार को मारा था तो बच्चे ने क्या कहा था? आपको ध्यान होगा सज्जनों, जब बच्चे को मारा था या नहीं मारा था ये आपको पता है, सिर्फ बच्चे ने पत्र लिखा था। और राजा पूछ रहे हैं कि मरती प्रिया कही, कुमार ने तोते और जो कही हो सब साफ बता दे। बच्चे ने क्या कहा था? बच्चे ने एक पत्र लिखा था, पत्र मंत्री की जेब में ही था। जैसे ही राजा ने बयान कहा, अब सुनिए, अपने हाथ को जेब की तरफ ले गया मंत्री और क्या किया, और पत्र निकाला जेब से,
और दिया तुरंत कहा और बाचन ला जा भूप जब बाके मुख ते निकली भैया मुख ते निकली एकदम से राजा रोवे लगे ये मेरे हैं तूने मेरे भोज कुमार को मार दिया तुझे दया नहीं आई माने सरकार गलती मेरी नहीं है एक बार मुझे दरबार में आप बुलाते हो और कहते हो कि भोज का शीश चाहिए और जब मैं शीश लेके आया हूँ तो आप मुझे क्या कह रहे हो अपराधी कह रहे हो यही हमारी समाज में है क्या अरे जो गरीब साची कहे नाजी नाजी हो जो गरीब साची कहे नाजी नाजी हो जो अमीर झूठी कहे तो हाजी हाजी हो के भैया हाजी हाजी हो के भैया मेरे हाजी हाजी हो आहा सज्जनों पत्र निकाला जेब से दियो तुरंत गहाय और बाछन लाग्यो भूप जब बाके मुख ते निकली हाय राजा रोबे लग्यो मंत्री ने कहा सरकार रोने की क्या बात है आपके तो रास्ते का कांटा ही साफ हो गया क्यों रोते हो क्या लगाव है आज मंत्री का गले बांध पकड़ लिया बेरहम तुझे दया नहीं आई तूने नन्हे से बालक को मार दिया मंत्री ने कहा सरकार मैंने नहीं ये आपने मरवाया है और राजा रोवे लगे और कैसे भैया जी तेरे लो आज प्राण नाते और प्यारों रे और हाथ ने अरे कुमर दिया मरवा को मार दिया सरकार मैंने नहीं मारा आपने मरवाया है और राजा कह रहा अरे काजी कहा नीचे बिचारो मैंने नीचे बिचारो रे और दुनिया में मेरी बुराई हो आज मुझे मेरी प्रजा बोलने नहीं देगी ये मैंने बहुत घिनौना कार्य करवा दिया आहा सज्जनों मंत्री ने कहा सरकार क्या कह रहे थे आंखों का एक तारा भोज कुमार अगर आंखों का तारा होता तो आप भोज कुमार को मेरे हाथों से नहीं मरवाते आहा क्या कहा अरे काजी कहा नीचे बिचारो नीचे बिचारो दुनिया में मेरी बुराई हो काज कहा नीच विचारो और दुनिया में मेरी बुराई हो गलेबान पकड़ लिया और गाली देने लगे गाली दई हजार कहा जस पाजी कर लियो और मार सुत भैया को दियो
सबर नहीं इस दिल अंदर होता, वो कैसे मारे हो बता दे सिंदूल को तोता। अरे यो तो बता दे बेरहम, तूने मेरे भोजकुमार को किस विधि से मारा था। सरकार बच्चे को मैंने प्रातः विद्यालय से लिया था, बच्चे को प्यास लग रही थी और मैंने क्या कहा बच्चे से कि बेटा तू इस वृक्ष के नीचे खड़ा हो जा, मैं पानी लेके आता हूँ। और सरकार में पानी लीले नहीं गया, मेरे म्यान से तलवार को खींचा, एक ही झटके में पीछे से आकर के मेरे कत्लेआम कर दिया। आह सज्जनों, राजा की आंखों में आंसू आ गए और जब भोज की माँ को मालूम पड़ी, दरबार में प्रवेश हो गई सावित्री। हे देवर, तुझे मेरे पति ने कितना प्यार दुलार दिया और एक बच्चे की परवरिश नहीं कर पाया, राजपाट के लोह में तूने मेरे बच्चे को मरवा दिया। आह सज्जनों, छोटी रानी आ गई, जैसे जैसे यह शोर भयो कि राजा ने भोज कुमार को मरवा दिया, पूरी प्रजा एकत्रित हो गई दरबार में। और सुनिए सज्जनों, अब राजा रो रो है और कैसे यारे जाल में जोहर कियो कुमार डस लियो नागवन कारो, और तूने कि न आई अरे दया सो बनो है प्यारो। मरवाए भतीजो निज सुहातन ते मैंने दियो। आहा बड़ी रानी, बड़ी गलती हो गई, मैंने अपने ही भोज कुमार को अपने हाथों से मरवा दिया। आहा सज्जनों, प्रजा की आंखों में आंसू हैं, मंत्री सामने खड़ा है और टेबल पर शीश रखा है, आइए क्या हुआ। योग सुशीला क्या कर लेगी पढ़े लिखे भरदार बिना। आहा सज्जनों, राजा रानी व छोटी रानी दोनों रोने लगे हैं। मंत्री के पास में गया राजा और कहा हे मंत्री, मुझे सच बतला दे मेरा भोज कुमार कहाँ है। सरकार, मैंने भोज कुमार को मार दिया, मैं आपको जिंदा भोज कुमार कहाँ से लाऊं। आहा सज्जनों, आगे सुनिए मंत्री ने बयान दिया कैसे। और मंत्री कहे समझाई और एक न मानी आगे आई। कहा हो सब फल लिए किए को पाई। राजा, मैंने आपको बहुत समझाया था, ये नन्ना सा बालक है, इसके साथ में ऐसा दुराचार ना करें, लेकिन तुमने मेरे हाथों से ही ये घिनौना कार्य करवा दिया। और सुनिए, मैं माना आया हूं भैया के कॉफी में लिखाए दे के महावे थे, मेरी इज्जत बढ़ जाए। हाँ, अब क्यों रहे हैं रुधन मचाई, सब फल लिए किए तो पाई। अब क्यों रहे हैं रुधन मचाई, सब फल लिए किए तो पाई।
राजा ने कहा, सुन ले मंत्री, अगर तूने नहीं बताया तो मैं अपने आप को जिंदा जला लूंगा। बताओ टेम है वो? राम राम सा।